सरदारपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दो संदिग्ध आरोपियों से नकद 21 लाख व स्कॉर्पियो वाहन जब्त किया है। दरअसल इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर अवैध गतिविधियों की जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने अधिकारियों को सचेत रहने के लिए निर्देशित किया था। इस दौरान थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मालवीय को सूचना प्राप्त हुई कि झाबुआ की ओर से एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी आगे नीले और लाल रंग की लाइट जल रही है, जिसमें कुछ संदिग्ध व्यक्ति बैठ कर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया और तलाशी ली तो पैसे बरामद हुए। क्या मामला है सर? पूरा ये राजगढ़ थाने को पुलिस को कल खबर मिली थी, सूचना मिली थी कि जूनापानी के पास में दो व्यक्ति एक स्कॉर्पियो लेके कहीं जाने वाले हैं या फिर उसके बाद नकदी रुपये हैं। पुलिस ने हमारी इसकी तस्दीक की तो उनके पास 21,12,500 रुपये बरामद हुए और इन लोगों को हमने पुलिस ने अरेस्ट किया है और आज न्यायालय में पेश किया है। इसकी तस्दीक ये की जा रही है कि ये इतनी बड़ी राशि लेके कहाँ जा रहे थे, किसी कोई खरीदी बिक्री की प्लानिंग थी या कोई हवाला भी हो सकता है, इसकी जांच की जा रही है। कौन थे सर लोग, क्या नाम आए? इनके दो के नाम आए हैं, एक अंकित ये निवासी मोगावा का धार का है और एक गोलू साबिर खान है, ये बखतगढ़ का है, नावर क्षेत्र का। किन धारा मामला दर्ज हुआ? ये है 41 एक 102 किसी अपराध में की शंका है। सरदारपुर से संवाददाता समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।